तेलुगु टेलीविजन डिजिटल प्रोड्यूसर कौंसिल के अराकीन ने सैलाब जदगान के लिए 5 लाख रुपए का अतिया दिया। रियासत में मूसलाधार बारिश के नतीजे में सैलाब आने से कई अजला बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। सैलाब जदगान की मदद के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स में अतियात किए जा रहे हैं। इतवार को तेलुगु टेलीविजन डिजिटल प्रोड्यूसर कौंसिल के अराकीन ईटीवी प्रभाकर, विनोद बाला प्रसाद और दिगर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की और सैलाब जदगान के लिए 5 लाख रुपये के अतिया का चेक हवाले किया। नायब वजीर आला ने बहरान के इस दौर में प्रोड्यूसर की जानिब से माली इमदाद के लिए आगे आने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुल हिंद नातिया मुशायरा के खुसूस में जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का एक इजलास मुनक़िद हुआ। AIMIM के ज़ेर एहतमाम पार्टी दफ्तर दारुसलाम में 20 सितंबर को जलसा रहमतुल आलमीन और 21 सितंबर को कुल हिंद नातिया मुशायरे का इनेकाद हो रहा है। इसी खुसूस में जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तक़बालिया कमेटी का एक इजलास इतवार को पार्टी दफ्तर दारुसलाम में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जाफर हुसैन मिराज, रुकन असम्बली याकूतपुरा व सदर इस्तक़बालिया ने की। इजलास में जश्न रहमतुल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरा के इनेकाद के इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इजलास में इस्तक़बालिया कमेटी के अराकीन व दीगर जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अपोजिशन जमात को यह मशवरा दिया है कि वो गणेश विसर्जन के अख्ताम तक तहमुल का मुजाहरा करें, सियासी सूरत हाल को मजीद खराब ना करें। गणेश त्यौहार से कबल रियासत की सियासी सूरत हाल कशीदा पाई जाती है। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अमन अमान को बरकरार रखना चाहती है। अपोजिशन को गणेश विसर्जन के अख्ताम तक अमन अमान बरकरार रखने और सब्र व तहमुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि जो भी रियासत के अमन अमान में खलल डालेगा, खौफ वो उनकी पार्टी के कायदीन हो या फिर दीगर पार्टियों के कायदीन हो, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर का कहना है कि अगर अपोजिशन जमात हुकूमत पर तनकीद करना चाहती है तो उसे गणेश विसर्जन के इख्तिताम का इंतजार करना पड़ेगा। बोलो गणेश महाराज को काबट्टी गणेश महाराज को संबंधी तप इंकोर पेर प्रस्तावित पौरपाटी जय बोलो गणेश महाराज की, जय बोलो गणेश महाराज की। నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నోళ్ళు 10 నెలల్లోనే అసహనానికి గురై శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగిందని ప్రజల్లో విశ్వాసం సన్నగిల్లే విధంగా మాట్లాడితే పొరపాటవుతుంది. 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నవాడు అధికారంలో ఉన్నవాడి కంటే ఎక్కువగా శాంతి భద్రతలు కాపాడడానికి సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR से कहा है कि वो अपनी पार्टी में पाए जा रहे इख्तलाफात को दूर करें, कांग्रेस पर इल्जाम ना लगाएं। IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने सोशल मीडिया पर साबिक वजीर KTR की जानिब से उन पर किए गए तबसरों पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये वाज़ह हो गया है कि कौन जहानत का मुजाहरा कर रहा है। BRS पार्टी में शामिल होने वाले MLA ए गांधी का कहना है कि वो BRS पार्टी के MLA हैं। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद तमाम लोग तेलंगाना के लोग कहलाते हैं। उन्होंने सभी से कहा है कि सियासत से बाला तर होकर हैदराबाद की छवि को बेहतर बनाने का काम करें। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां हैदराबाद की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, चाहे कुछ भी हो जाए हैदराबाद की छवि की हिफाजत की जाएगी। ఎవరు తెలివితేటలు చూపెడతా ఉన్నారో నేనన్న మాటలు కాదు. వారి పార్టీ ఎమ్మెల్యేనే, నేను ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేనే అని చెప్పింది. ఎవరు చెప్పిండ్రు? అరకపోడి గాంధీ గారు ఏ పార్టీ అని చెప్పిండ్రు? ఈరోజు వారు మాటలు మీకు సంబంధించిన అంశాల విషయంలో మీరు తలదూర్చుతున్నట్టు మేము తలదూర్చాం. ఈరోజు మేము కూడా చెప్తా ఉన్నాం, నిన్న కూడా చెప్పింది అదే.
మీలో మీ పార్టీలో ఉన్న అంతర్గత విభేదాలకు సంబంధించి మీరు సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవాలి అది మా పార్టీపై మెప్పటం చేస్తా ఉంటే ప్రజలందరూ గమనిస్తున్నాం అని చెప్పినాం ప్రత్యక్షంగా ఇంకేం చెప్పలేక ప్రజలే చెప్తారు ఎవరు తెలియగలవారు ఎవరు ఏ పరంగా మరి ఈ రోజు లేని बीआरएसपी के रियासती सदर जेसी निवास यादव और दीगर कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जराये ने बताया कि बीआरएसपी के कायदीन रियासती सदर जेसी निवास यादव की सदारत में मिनिस्टर क्वार्टर्स का मुहासरा करने के लिए तेलंगाना भवन से रवाना हुए थे। ये कायदीन रियासती हुकूमत से जियो नंबर 33 को वापस लेने और मेडिकल एजुकेशन के लिए काउंसलिंग का इनेकाद करवाने का मुतालबा कर रहे हैं और इसी मुतालबे को लेकर वो मिनिस्टर क्वार्टर्स का रुख कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रंगारेड्डी जिले के हस्तिनापुरम के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी की मिलावट की गई। बरहम ग्राहकों ने एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक हस्तिनापुरम के ZPT रोड पर वाकई HP पेट्रोल पंप पर ग्राहक इतवार को इकट्ठा हो गए। उनका कहना है कि पेट्रोल में पानी की मिलावट कर फरोख्त किया गया है। पेट्रोल पंप मालिक की जानिब से की गई धोखाधड़ी पर ग्राहकों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना है कि पेट्रोल में पानी की मिलावट की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं। एहतजाजियों ने पेट्रोल पंप के मालिक से मुतालबा किया है कि वो उन्हें मुआवजा अदा करें। बोमा महेश कुमार गौड़ ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में TPCC के सदर का ओहदा संभाल लिया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर महेश कुमार गौड़ ने 15 सितंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का ओहदा संभाला। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर नवमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी और पार्टी परचम हवाले किया। दरियासना महेश कुमार गौड़ पार्टी के दिगर सीनियर कायदीन और कारकुनान के साथ एक रैली की शक्ल में गन पार्क से गांधी भवन पहुंचे। महेश कुमार गौड़ ने अपने ओहदे का जायजा लेने से कबल तेलंगाना के शहीदों को खिराज अकीदत भी पेश किया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KTR ने पार्टी के सीनियर रहनुमा नागम जनार्दन रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। सीनियर कायद नागम जनार्दन रेड्डी गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे और इलाज के बाद वो सेहतयाब हो गए हैं। पार्टी के सीनियर रहनुमा की सेहतयाबी का इल्म होने पर कारगुजार सदर KTR गच्चीबौली में वाक़ नागम जनार्दन रेड्डी की रिहाइश का पहुँचे और उनकी इयादत की। दरियासना उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया। इस मौके पर भारत राष्ट्रीय समिति के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खसूसी पेशकश, आइए अमराज से आज़ादी वो छुटकारा पाए। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलाइन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। कोत्तगुड़म के पलवांचा में रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी के गणेश मंडप का दौरा करने के मौके पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। तफसीलात के मुताबिक वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी पलवांचा में गणेश मंडप का दौरा करने पहुंचे थे, तहम वजीर की आमद की वजह से शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। पुलिस ने ट्रैफिक को बहाल कर एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। इस वाक़े को लेकर नेटिजन्स में नाराजगी पाई जा रही है और वो वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं।
नलगुंडा के मिर्यालगुड़ा में एक अस्पताल में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब लवाहकीन ने नाश का पोस्टमार्टम करने से रोक दिया। जराये ने बताया कि नलगुंडा के दमार चरला मंडल के पिटलागुड़ा की एक नौजवान खातून की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। वालदैन का इल्जाम है कि नागू नामी नौजवान ने मोहब्बत के नाम पर उनकी बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसका कत्ल किया है और इस वाकये को खुदकुशी के तौर पर पेश कर रहा है। रिश्तेदारों ने मुलजिम को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए अस्पताल पहुंचकर नाश का पोस्टमार्टम करने से रोक दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर मुदाखलत की और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने रिश्तेदारों को मुलजिमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का तयखुन दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कश्ती में हादसाती तौर पर आग लग गई। कोस्ट गार्ड्स ने माहीगीरों को बचा लिया। जराये ने बताया कि विशाखापट्टनम जिले में माहीगीर बंदरगाह से एक कश्ती पर सवार होकर निकले थे कि अचानक कश्ती में आग लग गई। इंजन में आग लगने से कश्ती मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। कश्ती में सवार 5 माहीगीर अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूद गए। कोस्ट गार्ड ने फौरन हरकत में आते हुए दूसरी कश्ती की मदद से माहीगीरों को बचाकर साहिल पर पहुंचाया। जन स्वराज पार्टी के सदर प्रशांत किशोर ने बिहार में इख्तदार में आने के एक घंटे के अंदर शराब पर आयत पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर वो बिहार में इख्तदार में आते हैं तो शराब पर आयत पाबंदी एक घंटे के अंदर खत्म कर दी जाएगी। रियासत में शराबबंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी पार्टी जन स्वराज के यौम तासीस के मौके पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पार्टी का यौम तासीस मनाया नहीं जाएगा, यानी कोई प्रोग्राम का इनेकाद नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने शराब की गैर कानूनी होम डिलीवरी पर भी सवाल उठाए और कहा कि शराबबंदी की वजह से बिहार ने हज़ारों करोड़ रुपये की एक्साइज आमदनी खो दी है। प्रशांत किशोर का इल्ज़ाम है कि सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शराब के गैर कानूनी कारोबार से फ़ायदा उठा रहे हैं। जन स्वराज की सरकार बनी और एक घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाएगा। जीतन राम मांझी भी सवाल उठा रहे हैं, इस पे कह रहे हैं कि अधिकारी लोग शराब पीते हैं। भाई ऐसा है, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, दूसरे दल वाले क्या कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है। जन स्वराज पिछले 2 साल से हम लोग कह रहे हैं, जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनी एक घंटा के अंदर बिहार से शराबबंदी खत्म। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस्तफादा कुनिंदगान के लिए पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस्तफादा कुनिंदगान के लिए वजीर आजम ने पहली किस्त जारी की है। जराये ने बताया है कि 32 करोड़ रुपये डिजिटल तरीके से इस्तफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में मुंतकिल किए गए हैं। अलावाजी 32,000 मकानात की मंजूरी के खतूत भी तकसीम किए गए। इस्तफादा कुनिंदगान के लिए नए तामीर शुदा 46,000 मकानात के गृह प्रवेश की तकरीब का भी इनेकाद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि पीएम आवास योजना से मुतालिका इलाकों में सरगर्मियों और मुलाजिमतों के मौकों में इजाफा होगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।